जय हिंद दोस्तों। तो ये मोबाइल है ओप्पो का A3s, और इसका पैटर्न लॉक और FRP ये दोनों हटाना है। तो ये हम लोग, ये तो हाथ से नहीं होगा, ये अनलॉक टूल से होगा। तो आपको सबसे पहले मोबाइल को ऑफ़ कर लेना है। ऑफ़ करने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम माइनस है और ऑन ऑफ स्विच है, ये दोनों हमको दबा के रखना है। तो ये दोनों दबाए रखेंगे और उसके बाद हमारा मोबाइल ओप्पो लिखेगा, लोगो आएगा। उसके बाद हमको वॉल्यूम माइनस छोड़ना नहीं है, ऑन ऑफ छोड़ सकते हैं। और उसके बाद हमको रिकवरी मोड में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे वर्जन 1.2 लिखा हुआ है, उस पर हमको क्लिक करना रहता है। और इसका ईडीएल पॉइंट से ऐसे ही जाएगा डाउनलोड मोड में। तो हम आपको दिखाते हैं, इसको हम डबल क्लिक करके उसमें जाएंगे। पहले आपको पीसी में दिखा देते हैं, पीसी में हमारा कैसे करना है। तो पीसी में आने के बाद यहाँ पे ओप्पो पे हम, यहाँ पे डाटा कोई नहीं दिखा रहा, वो ओप्पो में चले जाना है। ओप्पो में आने के बाद यहाँ पे सर्च करना है ओप्पो A3s, और चिप सेट क्या है, तो इसमें मेरा 1803 है, CPH 1803। तो ये वाला पे क्लिक करेंगे और फैक्ट्री रीसेट। अब इसके बाद यहाँ वर्जन पे जाएंगे और डाउनलोड मोड में चले जाएंगे। यहाँ पे ये डाउनलोड मोड में चला गया। अब देख लीजिए, हमारा लैपटॉप में यहाँ पे डाटा उठा लिया कॉल को। अब इसके बाद फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक कर देना है, हमारा सब डाटा ख़त्म हो जाएगा। और ये पहले अनलॉक टूल में नहीं था, ये 3S का, अब ये आ चुका है अपडेट, तो अब हो रहा है, पहले नहीं होता था। तो उसके बाद अब हम मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं। तो मोबाइल के स्क्रीन में थोड़ा सा टाइम लगेगा ये ऑन होने में, तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा लोग, 5 मिनट के करीब में लगता है। और आपका जितना भी डाटा है सब ख़त्म हो चुका है, आपका FRP लॉक पैटर्न सब हट चुका है। अब जैसे सेटअप करते हैं वैसे सेटअप कर लीजिएगा लोग। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लोग। आपको सेटअप करके दिखा देते हैं हमारा FRP लॉक हटा है या नहीं। अगर आपका FRP लॉक नहीं हटा है तो आप जैसे फैक्ट्री रीसेट मारे हैं वैसे ऊपर वाला ऑप्शन में था इरेज FRP, फिर वैसे ही करके आप एक बार FRP लॉक भी हटा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।